दोस्तों तीसरे वनडे मैच के दौरान संजू सैमसन का छलका दर्द, दिखे काफी दुखी। क्या है पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरअसल दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे वनडे मैच में एक बार फिर संजू सैमसन को नजरअंदाज करते हुए उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद फैंस ने सोशल मीडिया पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने बीसीसीआई को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस तरह की सिलेक्शन करके बीसीसीआई पूरी दुनिया भर में भारतीय क्रिकेट का मजाक उड़ा रहा है। वहीं एक और क्रिकेट फैन ने कहा कि इससे पहले बीसीसीआई ने ऋषभ पंत को खिलाने के चक्कर में दिनेश कार्तिक का करियर खत्म किया है और अब वो संजू सैमसन का करियर खत्म करने पे लगा हुआ है। आपको बता दें ऋषभ पंत ने न्यूजीलैंड के इस दौरे में बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है। ऋषभ पंत ने T20 और वनडे मैचों में 6, 11, 15 और 10 रन बनाए हैं। इसके बावजूद भी कप्तान, कोच और टीम सेलेक्टर को ऋषभ पंत में MS धोनी दिख रहा है, जो कि बड़े दुख की बात है। आपको बता दें संजू सैमसन अब लगातार मौके न मिलने की वजह से अंदर से बुरी तरह से टूट चुके हैं, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि बीसीसीआई संजू सैमसन को कब तक नजरअंदाज करता है। दोस्तों आपको क्या लगता संजू सैमसन और ऋषभ पंत में कौन है बेहतर विकेट कीपर बल्लेबाज, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।